लेकिन जो लोग सरकार में है, ये अतुल साहब है, इन्हें शपथ लिया संविधान की कि मैं पूरे समाज के हर नागरिक को एक नज़र से देखूंगा और सबके हकों की सुरक्षा करूंगा। और ऐसे लोग गले में भगवा डाल के मुसलमानों के खिलाफ यहाँ पर रोड पर आकर बकवास करते हैं, ऐसे लोगों को संविधान की कसम खाने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसे लोगों को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जनता इनको देख रही है, लेकिन हमारे शहर के खासदार का कोई अपमान करता है, अगर तुम्हारे में दम है तो अब्दुल वाहिद को कॉन्टैक्ट कीजिए। अरे वो खासदार तुम्हारे को क्या जवाब देगा? वो सीधा आदमी, संवैधानिक पद पे बैठे हुआ आदमी, संविधान की कसम खाए हुआ आदमी, ये मन से कि ये चिल्लर लोग क्या करते हैं, बड़े लोगों का नाम ले इसलिए लेते कि उनको बड़ा बनना होता है। और खासदार के साथ जो उन्हें बातचीत की है, लगता है वो वीडियो नहीं देखता, वो खासदार को बता रहा था कि आप भड़काऊ भाषण करते हैं, आप भड़काऊ बात करते हैं। उसने शायद कभी कि ये कितना भी हमारा दिमाग ख़राब करने की कोशिश करे, अपना दिमाग ठिकाने पर रखिए, संयम रखिए, और जो है हमारे होने वाले हर जुल्म का जवाब हम कानूनी रास्ते से दें। आपको जो भी तकलीफ़ है उसको आप पुलिस कंप्लेन कीजिए, कानून हाथ में मत लीजिए। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमको संविधान दिया है, उस संविधान के तहत चलिए। और क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, ये जो है तो शंभुनगर के वासी और लोक विकास परिषद के लोक कार्यकर्ता और तमाम कौम के लोग ये चाहते हैं कि औरंगाबाद है और ये औरंगाबाद ही रहना चाहिए, और इंशाल्लाह ये औरंगाबाद ही रहेगा। किसी भी हाल में, हर हाल में औरंगाबाद रहेगा। इसलिए हर नौजवान चाहता है कि वो उसके ज़िंदगी का कुछ हिस्सा, उसके ज़िंदगी का कुछ पल, उसके माल में से कुछ माल और उसकी ताकत में से कुछ ताकत औरंगाबाद बचाने के लिए लगाए, तो नौजवान लगा रहे हैं और हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये कब से शुरू हुआ है और कब तक रहने वाला है? ये कैंप वैसे तो घर घर जाकर ये हफ्ते भर से चालू है, लेकिन आज से यहाँ पर कैंप लगाया गया है और यहाँ से हटकर कल दूसरे एरिए में भी इस तरीके के कैंप लोक विकास परिषद की तरफ से लगाए जाएंगे। कितने अभी तक के लोगों ने फॉर्म भर के सबमिट किए? अभी तक तो सुबह से 700 के आसपास हुए शायद। अच्छा, ये तो कैंप की बात हो गई, लेकिन आज जो मोर्चा हिंदू समाज की तरफ से निकला था औरंगाबाद शहर में, उसके बारे में क्या आपकी राय है? क्योंकि आपने भी परमिशन मांगी थी मोर्चे की, आपको नहीं मिली, उनको भी नहीं मिली, लेकिन फिर भी उन्होंने निकला। देखिए, ये हिंदू समाज के तरफ से मोर्चा है, पहले तो आपका सवाल ही गलत है। ये हिंदू समाज की तरफ से मोर्चा नहीं है, ये हिंदू लोगों में एक तो मैं कहूँगा कि जो डरे हुए लोग हैं, जो मुसलमानों से डरे हुए लोग हैं, वो लोग अपने आप को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम डरे नहीं। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ, मेंढक कितना भी फूल जाए तो भी वो बैल नहीं बन सकता। और दूसरे, ये जो लोग हैं, ये हिंदू समाज सनातन धर्म के लोग नहीं है, ये सनातन धर्म को बेवकूफ़ बनाने वाले लोग हैं, ये सब ऑटो का राजकारण है। ये जो मोर्चा जो सर रोड पर निकला था, तो ये मुसलमानों को दिखाने के लिए नहीं है, ये उद्धव ठाकरे राष्ट्रवादी कांग्रेस कांग्रेस को दिखाने के लिए है कि हमारी देखो हमारे साथ कितने हिंदू भाई है। तो इसमें मुसलमानों को डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है, ये ऐसे कीड़े मकोड़े ये नए नहीं है, दुनिया बनी तब से मुसलमान ये सारे चीज़ों से लड़ रहा है। ये तो बहुत छोटे है, हम वो कौम है जो फिरौन कारून नमरूद शद्दाद ऐसे लोगों से हम लड़ लड़ के यहाँ तक आए। ये तो कीड़े मकोड़े, ये हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, और इनको डर है कि हमको आज़ाद छोड़ दिए तो इनका जीना मुश्किल हो जाएगा, इनकी सियासी दुकान बंद हो जाएंगी, इनके राजकारण की दुकान बंद हो जाएंगी। इसलिए ये किसी भी तरीके से औरंगाबाद का माहौल ख़राब करने के लिए ये बाहर से किराए के टट्टू औरंगाबाद में ला रहे हैं। वो कौन क्या नाम है, वो कुत्ते का राजा फाजा क्या नाम है, वो ऐसे बकवास लोगों को औरंगाबाद में लाके उनका माहौल ख़राब करना चाह रहे हैं। इन्हें से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, औरंगाबाद का अमन और अमन औरंगाबाद की शांतता था, ये यहाँ के लोग कभी ख़राब नहीं होने देंगे, और इससे हमारे शहर को, हमारे समाज को, हिंदू समाज को, मुस्लिम समाज को कोई खौफ नहीं है, क्योंकि मुस्लिम समाज ने अब ये तय कर लिया है कि ये किसी से डरेंगे नहीं और किसी भी कारण कहीं झुकेंगे नहीं। ये हमारा निर्धार है, ये हमारा वादा है, ये हमारा वचन है, क्योंकि हम वो कौम है जो सिर्फ अल्लाह को डरती है।
तो ऐसे कीड़े मकोड़ों से डरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। एक तरफ पुलिस प्रशासन उनकी जो परमिशन है रद्द करती है, परमिशन देती नहीं है, दूसरी तरफ उन्हीं के पालक मंत्री औरंगाबाद शहर के मोर्चे, ये कितना ये तो देखो, कल मुस्लिम समाज का भी एक जुलूस था। जो लोग सत्ता में नहीं है वो लोग अगर से मोर्चा धरने आंदोलन करते हैं तो बात समझ में आती है कि अपनी आवाज़ ये सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन जो लोग सरकार में है, ये अतुल साहब है, इन्हें शपथ लिया संविधान की कि मैं पूरे समाज के हर नागरिक को एक नज़र से देखूंगा और सबके हकों की सुरक्षा करूंगा, और ऐसे लोग गले में भगवा डाल के मुसलमानों के खिलाफ यहाँ पर रोड पर आकर बकवास करते हैं, ऐसे लोगों को संविधान की कसम खाने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसे लोगों को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जनता इनको देख रही है, और मैं हिंदू समाज सनातन धर्म से भी ये अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों को पहचानिए, इनके चेहरों को पहचानिए। ये आपको लड़वाना चाहते हैं, आपको मरवाना चाहते हैं और अपनी सियासी रोटी सेकना चाहते हैं, और इनको इनकी जगह आप दिखाइए। अभी हाल ही में जो है तो आपको एक रिकॉर्डिंग सुनने में आई होगी जो खासदार के बारे में थी, पुलिस प्रशासन का एक अधिकारी जो है तो उनके बारे में आप सब कह रहे हैं, उसके बारे में क्या? हाँ देखिए, वैसे तो मेरे MIM से मतभेद है, लेकिन हमारे शहर के खासदार का कोई अपमान करता है, हमारे शहर का नहीं कोई भी शहर का हो, खासदार का कोई अपमान करता है, ये बात संतापजनक है। और लेकिन ये जो मनसे का कार्यकर्ता जो अपने आप को बता रहा था, ऐसे कीड़े मकोड़े खासदार साहब जैसे वो कॉल करते, अगर इनमें हिम्मत है, मैं चैलेंज करता हूँ मनसे को और जितने भी संगठन है, अगर तुम्हारे में दम है तो अब्दुल वाहिद को कॉन्टैक्ट कीजिए। अरे वो खासदार तुम्हारे को क्या जवाब देगा? वो सीधा आदमी, संवैधानिक पद पर बैठे हुआ आदमी, संविधान की कसम खाए हुआ आदमी, ये मनसे के ये चिल्लर लोग क्या करते, बड़े लोगों का नाम ले इसलिए लेते कि उनको बड़ा बनना होता है, और खासदार के साथ जो उन्हें बातचीत की है लगता है वो वीडियो नहीं देखता। वो खासदार को बता रहा था कि आप भड़काऊ भाषण करते हैं, आप भड़काऊ बात करते हैं, उसने शायद कभी बजरंग दल को नहीं सुना, उसने शायद हिंदू परिषद को नहीं सुना, उसने शायद BJP को नहीं सुना, उसने शायद उसके खुद के नेता राज ठाकरे को नहीं सुना। ये राज ठाकरे ही ऐसे कीड़े मकोड़े रोज कई ज़्यादा इससे ज़्यादा बकवास करते फिरते हैं, ये शायद उसको नहीं सुना और ये खासदार को सवाल कर रहा है। मैं उसको जवाब देता हूँ कि सवाल करना है तो अब्दुल वाहिद से कर, अब्दुल वाहिद तुझे जवाब देगा। नौजवान बच्चों को मैसेज यही है कि ये कितना भी हमारा दिमाग ख़राब करने की कोशिश करे, अपना दिमाग ठिकाने पर रखिए, संयम रखिए, और जो है हमारे होने वाले हर जुल्म का जवाब हम कानूनी रास्ते से दें। आपको जो भी तकलीफ है उसको आप पुलिस कंप्लेन कीजिए, कानून हाथ में मत लीजिए, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमको संविधान दिया है उस संविधान के तहत चलिए, और ऐसे कीड़े मकोड़ों को भाव मत दो और इनसे डरो मत, कानून को अपने हाथ में मत लो, शहर में अमन कायम रखो, शांतता कायम रखो। ये देश हमारा है, ये औरंगाबाद हमारा है, इसको संभालने की जिम्मेदारी हमारी है। मैं अब्दुल वाहिद लोक विकास परिषद अध्यक्ष। करे इशारे, 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 करे इशारे,
बगीचे किसने है सींचे, बाग बगीचे किसने है सींचे, खिड़की दरवाजा हिंदी दरवाजा काला दरवाजा मोहब्बत दरवाजा वो फलकल गेट, वो फलकल गेट।